Hello everyone. My name is Nas, and I welcome to you in my channel Nas Parshala. So today I am going to take cbsc Class 10, and from your first flight book, I am going to take Chapter 10, the Sermon at Banaras. In this video, I am going to teach you explanation of the chapter, summary of the chapter. So without wasting time, let's start. द सर्मन एट बनारस सो फ्रॉम द फर्स्ट फ्लाइट बुक दिस इज़ द टेंथ चैप्टर दरमन एट बनारस सो सरमन में जो है एक उपदेश जैसे कहा जाता है जैसे हम कई बार उपदेश करते हुए नजर आते हैं जैसे इसने दिया है यहाँ पर वॉट इज़ द सर्मन इट इज़ अ डिफरेंट फ्राम लैक्चर और टॉक कैन दिस वर्ड ऑल्सो भी यूज इन अ नेगेटिव वे और एज अ जॉक माई मदर सरमन अबाउट गेटिंग माई वर्क डन बाय सो सो so, सरमन में या लेक्चर में या टॉक में क्या डिफरेंस होता है जैसे कहा जाता है सरमन का मतलब होता है अगर आप रिलीजियस थिंग्स के ऊपर कोई भी जो है गाथा वगैरह बोलते हो या उसके बारे में कुछ सिखाते हो उपदेश देते हो उसे सरमन कहा जाता है सो so, देखते हैं इस चैप्टर में ऐसा क्या है सो so, गौतम बुद्ध फाइव सिक्सटी थ्री बी सी टू फोर 83 B.C. So before Christ, began life as a prince named Siddharth Gautama in northern India. At twelve, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and four years. Later, he returned home to marry a princess. They had a son and lived for ten years as buffeted royalty. At about the age of twenty-five, the prince, heretofore. He still died from the suffering of the world. While out of hunting, chances upon a sick man, then an aged man, and then a funeral process. And finally, a monk begging for alms. These to mood him that he ate, once went out into the world to seek enlightenment. Concerning the sorrow he had witnessed. He wandered for seven years and finally sat down under a पीपल tree. So, गौतम बुद्धा जो थे हमने कई बार सुना भी है गौतम बुद्धा कौन थे जो बहुत बड़े संत थे जिसे कहा गया है So गौतम बुद्ध जो थे वो जो है उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम ठीक है तो उन्हें नाम दिया गया था सिद्धार्थ गौतम जो कहा गया है बिफोर क्राइस्ट फाइव सिक्सटी थ्री टू 483 जो है बी में रहे हैं और उत्तरी भारत में जो है एक राजकुमार के रूप में जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी को शुरुआत दी थी मतलब वो प्रिंस थे जब इस एज तक थे जो नॉर्थन इंडिया में पैदा हुए थे जब वो ट्वेल्व ईयर्स के हुए ट्वेल्व ईयर्स की उम्र में जो है हिंदू धर्म की जो है उन्हें पवित्र जो पवित्र ग्रंथों की जो पढ़ाई वगैरह है वो करने के लिए भेजा गया जब वो चार साल बाद लौटे उसके बाद उन्होंने जो है एक राजकुमार से शादी करने के लिए वो लौटे तो उन्होंने जो है चार साल बाद शादी कर ली उसके बाद उन्हें एक लड़का हुआ जो आ, उसके बाद उन्होंने जो है दस साल तक जो है मतलब राज राज ठाट के साथ जो है जिंदगी बिताई मतलब बहुत सारी राज राजाट के साथ कहते हैं ना बहुत सारी रॉयल्टी के साथ खुशी के साथ लग्जरियस लाइफ जो है बिताई उसके बाद जब वो जो है पच्चीस साल की उम्र में जो है प्रिंसेस जिस अब तक जो है संसार के दुखों से जो है उन्हें बचा रखा था जिन्हें कहा गया है क्योंकि अभी तक जो है मतलब अभी वो राज ठाट के अंदर रहे तो उन्हें पता ही नहीं है दुख सुख क्या होता है तो अभी वो जो है दुनिया के दुख को जानते ही नहीं थे उन्होंने कभी फेस ही नहीं किया था कि दुनिया में जो है दुख होते क्या है तो अभी तक ट्वेंटी फाइव से दूर रहे हैं दुख से दूर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं था कि दुख होता क्या है उसके बाद जब वो हंटिंग के लिए जो है जब शिकार के लिए बाहर रहने के दौरान उन्हें संयोग से जो है मतलब अचानक ही जिसे कहा जाए जब वो शिकार के लिए निकले तो एक चांस हुआ तब उन्होंने जो है एक बीमार पर्सन को देखा फिर बूढ़े पर्सन को देखा फिर एक जो है अंतिम संसार की जो यात्रा होती है मतलब बहुत सारा जो जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसको लेके जो जाते हैं अर्थी के लिए तो उसको देखा और फाइनली एक जो है सन्यासी को जो है भीख मांगते हुए देखा ठीक है एम्स मतलब भीख मांगते हुए देखा ये सारी चीजें जो है इन सारे सीन ने जो है उसे काफी सारा जो है प्रभावित कर दिया बहुत ज़्यादा जो है मतलब उनका दिल जो है वो बदल गया उन सारी चीज़ों को देखते हुए वो तुरंत ही जो है जो दुख उसने उन्होंने देखे थे उनसे रिलेटेड जो है अब ज्ञान लेने के लिए मतलब एनलाइनमेंट मतलब जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हाई नॉलेज होता है जो आत्मा का ज्ञान जिसे कहते हैं तो इन सारी दुनिया में जो कुछ भी उन्होंने अभी तक देखा था उन चीज़ों का जो है ज्ञान लेने के लिए उन्होंने सोच लिया उन्होंने जो है ज्ञान लेने के लिए जो है उन्हें अब संसार के जो है वर्ल्ड के अंदर निकलना पड़ा कि भाई दुख से रिलेटेड क्या होता है उन्होंने जो कुछ भी देखा है उससे रिलेटेड कि उनका ज्ञान क्या होता है उससे रिलेटेड क्या थिंग्स होती है वो देखने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी को बाहर निकाल लिया मतलब अब वो दुनिया में ही जो है बसर करने लगे अपनी जिंदगी को उसके बाद जो है वो जो है कम से कम जो है वो सात सालों तक इधर उधर जो है वो घूमते फिरते रहे इसी ज्ञान के लिए ठीक है कि मतलब उन्हें ज्ञान मिला कि दुख सुख क्या होता है आखिर क्यों लोग परेशान होते हैं या सभी खुशी क्यों नहीं मिलती है सभी लोग ऐसा क्यों नहीं होते हैं सो ये सारी चीज़ें उनके माइंड में जो है चल रही है तो ये करते करते उन्हें ऑलमोस्ट जो है सात साल हो गए उसके बाद उन्होंने जो है लास्ट में वो एक पीपल ट्री के नीचे जो बैठ गए मतलब पीपल का जो पेड़ है उसके नीचे बैठ गए जहां उन्होंने जो है वो तब तक बैठे रहे कम तो ये जो है मतलब वहां पर वो तब तक बैठे रहे जब तक जो है उन्हें मतलब बहुत ज्यादा आत्मा का ज्ञान जो है नहीं मिल गया एनलाइटन आफ्टर सेवन डेज ही रीनेम द ट्री द बोधी ट्री ट्री ऑफ विस्टम एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा द अवेकन और द एनलाइटन उसके बाद जब उन्हें मिल गया कि भाई उन्हें आत्मा का ज्ञान हो गया उन्हें पता चल गया कि दुख सुख क्यों होते हैं क्या रीज़न है हम उसे किस तरीके से ओवरकम हो सकते हैं ये सारी चीज़ें जब उन्हें मिल गई तब ही जो है आ, मतलब वो वहाँ जो है हटे सात दिन बाद जब उन्हें ज्ञान की जो है मतलब आ, प्राप्ति हो गई मिल गई उन्हें ज्ञान जब मिल गया तो उनमें जो है उन्होंने जो है पेड़ का नाम दिया ज्ञान का पेड़ या कहा जाए बोधि ट्री बोधि ट्री मतलब जिस ज्ञान का पेड़ जो कहा जाता है ट्री ऑफ विजडम जिससे ज्ञान मिलता है मतलब उस पेड़ को नाम ही दे दिया कि भाई वो बोधि ट्री है पीपल ट्री को ही और उन्होंने जो है अब पढ़ाना मतलब उपदेश देना स्टार्ट कर दिया अब जो है कोई भी पर्सन अगर जैसे उनके पास आता तो वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ज़िंदगी को देखते दे। जो कुछ भी उन्होंने देखा सीखा वो सारी चीज़ें वो शेयर करते थे नई अंडरस्टैंडिंग के साथ नए ज्ञान को जो है उन्होंने बांटना शुरू कर दिया नए नए लोगों को जो है उपदेश देना शुरू कर दिया ताकि वो जो है मतलब किस तरीके से जो है जागें और किस तरीके से ज्ञान हासिल करें और वो इसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो गए मतलब बुद्ध जो थे वो कहा गया भाई वो कौन थे कि भी बहुत ज्यादा लोगों को जगाने वाले या आत्मा का ज्ञान देने वाले लोग तो वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए इस बात को लेकर द बुद्ध प्रीस्ट हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस मोस्ट होली ऑफ द डीपिंग प्लेसेज ऑन द रिवर गंगाज दैट सरमन हैज बीन प्रिजर्व एंड इज गिवन हेयर इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धा विस्टम अबाउट वन इनसबल काइंड ऑफ सफरिंग सो so, जब उन्होंने उपदेश देना शुरू कर दिया तो बुद्धा ने सबसे पहला जो अपना उपदेश दिया था जो कहा गया है सबसे पहला जो है धर्म के ऊपर जो उपदेश दिया था प्रीस दिया था जो धर्म के ऊपर कहा जाता है वो जो है सिटी ऑफ बनारस मतलब बनारस सिटी के अंदर दिया था जो कि डुबकी और उस, जहाँ पर जो है अगर आपने देखा होगा गंगा में लोग अपने जितने भी बुरे काम किए हुए होते हैं उसको हटाने के लिए जो है होली स्नान करते है, हैं नहाते हैं वहाँ पर सो डुबकी और जो है नहाने के लिए वो सबसे ज़्यादा पवित्र जगह जो है मानी गई है अभी सरमन जो था वहाँ पर उन्होंने दिया इस धर्म उपदेश को जो है मतलब सेफ रखा गया प्रिजर्व किया गया मतलब सेफ रखा गया यहाँ के लिए और यहाँ नीचे दिया गया है कि धर्म उपदेश पर जो है दुखों के बारे में जो है बुद्ध के ज्ञान को जो है वो दिखाया जाता है कि किस तरीके से हम दुख होने के और जो है हटा सकते हैं इन स्क्रूटेबल का मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ आप समझ ही नहीं सकते क्या कि दुख किस किस टाइप का है और किसे जो है दुख के बारे में जो है बुद्ध का क्या ज्ञान है या क्या थिंकिंग है कि हम उसे किस तरीके से ऊपर ला सकते हैं और उसे दूर कर सकते हैं सो so, हर इंसान को दुख होता है हर इंसान को चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो किसी तरीके से भी लेकिन हम उससे ओवरकम कैसे हो सकते हैं वो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है तो इसीलिए बुद्धा ने जो है इस बारे में उपदेश दिया है शर्मन दिया है कि हम दुखों से कैसे बच सकते हैं किसा गोतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड

लोगों ने कहा कि लगता है ये जो है लेडी जो है वो पागल हो गई है क्योंकि ये बच्चा तो ऑलरेडी मर चुका है और जो मरा हुआ बच्चा है वो किस तरीके से जो है वो ऊपर आता है सो so, इसीलिए जब उसने बार बार कहा कि भाई वो सब जगह जब ले लेके घूम रही है मरे हुए बच्चे को तो लोग कहने लगे तो बिल्कुल पागल हो गई है क्योंकि उसका बच्चा तो ऑलरेडी मर चुका है और हुआ कोई वापस जो है सही नहीं होता है एट लैंड किसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाई टू हर रिक्वेस्ट आई कैनॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दी चाइल्ड बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन तो वो कहता है वो जो है लास्ट में जो है जब किसा गौतमी ने जो है एक पर्सन से मिली तो आखिर वो जब इतनी देर से कब से ढूंढ रही थी लोगों को बोल रही थी कि भाई मेरे बच्चे को बचाओ लेकिन कोई भी उसका जवाब नहीं दे रहा था लोग सोच रहे थे तो बिल्कुल पागल हो इसी का जवाब देना है फाइनली एक पर्सन ने जो है उसके रिक्वेस्ट का आंसर दिया बोला मैं इसको जो है दवाई तो देना दे, जो है दवाई तो नहीं दे सकता ठीक है लेकिन हाँ मैं एक फिजिशियन को जरूर जानता हूँ फिजिशियन यहाँ डॉक्टर के लिए आए कि हाँ मैं एक डॉक्टर को तो जानता हूँ शायद वो तुम्हारी कोई मदद कर दे एंड द टेल मी सर हु इज इट एंड द मैन रिप्लाइड गो टू सक्या मुनी एंड द बुद्धा तो उसने जो है उस लेडी ने जो है मतलब कहा कि प्लीज़ मैं आपसे जो है प्रे करती हूँ दुआ मांगती हूँ प्लीज़ आप मुझे बताइए आखिर कौन है वो ठीक है तो उस पर्सन ने बताया कि भाई जाओ तुम सक्या मोनी के पास जाओ मतलब बुद्धा बुद्धा के पास जाओ वो तुम्हारी जो है बुद्ध के पास जाओ वो तुम्हारी मदद कर देंगे किशा गौतमी रिपेर टू द बुद्धा एंड क्राइड लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय So, किसा गौतमी जो है वो बुद्ध के पास गई और वहां जाकर वो जो है रोने लग गई और उसने जो कहा यहां पर रिपेड का मतलब जाने से है ओके okay? सो so, किशा गौतमी जो है बुद्ध के पास गई और वहां जाकर रोने लग गई और बोलने लग गई हे hey, प्रभु हे मालिक ठीक है मुझे दवा दे दीजिए जो मेरे लड़के को जो है ठीक कर दे द बुद्ध आंसवर्ड आई वॉन्ट हैंडफुल ऑफ मस्टर सीड एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस टू प्रक्योर इट द बुद्ध एडेड द मस्टर सीड मस्ट बी टेकन फ्राम अ हाउस वे नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड हसबेंड पेरेंट और फ्रेंड सो बुद्ध ने जवाब दिया कि मुझे जो है मुठ्ठी भर जो है सरसों के दाने लेके आ जाइए ठीक है तो उसने जो है लेडी ने खुशी के मारे हाथों हाथ हाँ वर्दी के हाँ मैं आपको जो है ला के दे दूंगी वादा करती हूँ ठीक है जैसे ही उसने यह बात बोली बुध ने आगे अपनी बात को और ऐड किया और कहा मस्टर सी उस घर से लाने हैं जिसमें जो है ना तो किसी बच्चे की ना ही हस्बैंड की ना ही पेरेंट की ना ही फेरेंट की जो है किसी की भी डेथ नहीं हो रखी है ठीक है सो उस घर से लानी है मतलब उस घर से लानी है जहां पर किसी भी पर्सन ने किसी को नहीं खोया हो मतलब किसी भी जो है उस फैमिली से लाना जहां पर किसी की भी डेथ ना हो रखी हो सो so, ये तो इम्पॉसिबल है कि दुनिया में जो है ऐसा घर है ही नहीं जहां पर किसी की डेथ ना हो रखी हो सो so, किसी ना किसी की तो डेथ हो ही रखी है सो so, इसीलिए अब वो जो है पुअर किशा नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड दीपुलर हर एंड सैड हियर इज मस्टर सीट टेग इट But when she asked, did a son or a daughter or a father or a mother die in your family? They answered her, alas, the living are few, but the dead are many. Do not remind us of our deepest grief. And there was no house, but some beloved one had died in it. So Kisa Gautami, the poor किस्सा गौतमी जो है जब वो घर से घर जली गई बहुत एक घर से फिर दूसरे घर गई मतलब घर घर के जो है वो चक्कर काटने लग गई और लोग जो है उस पर दया खाते और कहते कि ये लो मुट्ठी भर मस्टर्ड मतलब जैसे ही वो बताती लोगों को कि भाई मेरे बेटे की जो है डेथ हो गई है और मुझे किसी ने बताया है कि मैं जो है एक मस्टर्ड सीज की जो है मुट्ठी भर के लेके आऊँ तो सही हो जाएगा लेकिन जैसे ही उसको मस्टर्ड सी ला देते तो वो पूछती क्या तुम्हारे घर में बेटा बेटी या फादर या फिर मदर कोई भी फैमिली मेम्बर में किसी की डेथ हुई है तो उसे वो जो है जवाब में देते ठीक है ओ मतलब ज़िंदा लोग बहुत कम है लेकिन मरे हुए लोग बहुत ज़्यादा है और प्लीज़ तुम हमारे जो है दुखों को याद मत दिलाओ हमारे जो गहरे दुख हैं उसे याद मत दिलाओ और उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला और वहाँ ऐसा उसको कोई भी घर नहीं मिला जिसमें किसी भी पर्सन की डेथ ना हो रखी हो तो जाहिर सी बात है ये तो कॉमन चीज़ है क्योंकि चाहे फैमिली मेम्बर में कहीं पे भी हो हमारे ख़ानदान में हो या जो हमारे पूर्वज हैं फोर फादर्स हैं तो कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी की डेथ तो हुई है दुनिया में ऐसा घर ही नहीं बना है जहाँ पर किसी की डेथ ना हुई हो या किसी ने अपने जो है लव वंस को ना खोया हो Kisa Godmi became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city. As they flickered up were extinguished again. At last the darkness of the night ran everywhere, and she considered the fate of man that their leaves flicker up and are extinguished again. And she thought to herself, How selfish am I in my grief?

जब किसा गौतमी बहुत ज़्यादा थक गई बिहारी मतलब थक गई ना उम्मीद हो गई मतलब उसे उम्मीद कुछ भी नहीं हुई निराश हो गई वो बिल्कुल तो वो जो है रास्ते के किनारे पर जो है जहाँ पर लाइट ऑफ द सिटी लगती है हमने देखा होगा शहर की जो रोशनियाँ होती है को वो देखने लगी जो टिमटिमाती थी मतलब लगती थी और फिर बुझ जाती थी फ्लिकर मतलब टिमटिमाना और एस्टिंग मतलब लग कर वापस बुझ जाना तो टिमटिमाना जो है लगती थी फिर बुझ जाती थी और लास्ट में जो है जब रात के जो है अंधेरे के अंदर सभी जगह जो है वो अंधेरा फैल गया तब उसने जो है माना कि भई चारों तरफ जब उसने इंसान के फेड को मतलब भाग्य को मान लिया कि इसी तरीके से हमारी ज़िंदियाँ भी है जो इंसान बॉन्ड होता है तो वन डे वो एक दिन जो है उसकी डेथ जरूर होती है मतलब जिसने जो दुनिया में आया है उसे वापस से किसी ना किसी तरीके से जो है जाना है सो so, इसी तरीके से उसने सोचा कि भी हमारी जिंदगी भी जो है टिमटिमाती है जब हम दुनिया में आते हैं और बुझ जाती है जब हम मर जाते हैं तो उसने फिर अपने आप में सोचा कि मैं जो है मतलब कितनी सारी जो है इस सारे दुख के अंदर जो है भूल गई इतनी सेल्फिश हो गई अपने दुख के अंदर कि दैद तो सभी के लिए कॉमन है चाहे वो छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो चाहे यंग हो सो so, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो चाहे किसी भी रिलीजन का हो चाहे वो इंटेलिजेंट uh, हो चाहे डफर हो तो डेथ तो सभी के लिए है अगर डेथ सभी के लिए इक्वल ना होती तो दुनिया में ऐसा लगता है ऐसे गरीब लोग ही सबसे ज्यादा मारे जाते ठीक है तो इसीलिए इसने अपने दुख में भूल गई कि डेथ तो सभी के लिए कॉमन है ठीक है इसीलिए इसने, इसने ऐसा कहा कि भाई देख तो सभी के लिए समान है और इस दुख में जो है कहा गया है इस पूरे दुनिया के अंदर मतलब उजाड़ के अंदर इस दुख में जो है वर्ल्ड में एक जगह ऐसा है जहाँ जो हमें कहा, कहा जाता है कि वह उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर अमरता कहा जाता है कि और ले जाता है जिसने सभी जो है सबसे ज्यादा जो है सेल्फिश ने इसको सरेंडर किया है ठीक है मतलब ऐसा पर्सन जहाँ कहा गया है दुख के अंदर हम ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ हम सोचते हैं कि नहीं सब चीजें अमर है लेकिन अमर होता कुछ भी नहीं है हम यहाँ आए हैं तो सब नश्वर है एक दिन सभी कुछ खत्म होना है तो हम अपनी सेल्फिशनेस के अंदर स्वार्थी में ये नहीं सोच सकते कि नहीं मेरा अपना नहीं मरना चाहिए मतलब गहरे जो दुख होता है तब हम सोचते हैं काश मेरा अपना मुझसे दूर नहीं होना चाहिए लेकिन उस दुख में हम सिर्फ ये भूल जाते हैं हकीकत तो सभी के लिए एक ही है क्योंकि तो डेथ है दुनिया में आए हैं तो उसे जाना है चाहे हम माने या ना माने वो वापस लौट कर कभी भी नहीं आता है लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज स्ट्रबल्ड एंड ब्रीफ इन कंबाइंड विद पैन सो बुद्ध कहता है फिर बुद्ध ने कहा इस संसार में जो है मतलब इस वर्ल्ड के अंदर जो है सब चीजें नस्वर का जो है जिंदगी भरी पड़ी है मॉर्टल्स मतलब नस्वर जो खत्म होने वाली है जिसे मरना है खत्म होना है तो so, पूरी दुनिया नश्वर चीजों से ही भरी पड़ी है अगर हम उसे जो है जो सारी चीजें किस चीज से जुड़ी हुई है दर्द से चाह बात है अगर कुछ भी चीज हो हमसे खो जाती है या हमसे दूर हो जाती है या हमारी कोई खास चीज टूट जाती है तो हम उस चीज के लिए क्या फील करते हैं पेन को दर्द को तो इसीलिए दुनिया की हर एक चीज जिसे टूटना है खत्म होना है मरना है वो सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा तकलीफ देती है और दुख देती है इस नॉट एनी मीन्स बाई विच डोज दैट हैव बीन बॉर्न can avoid dying, after reaching old age there is a death of such a nature or living beings, as ripe fruits are early in danger of falling. So mortals when born are always in danger of death, as all earthen vessels made by the porter and in being broken. So is the life of mortals, both young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death, all are subject to death. सो so, इसीलिए जब इसने कहा कि भाई दुनिया में कोई भी चीज़ जिससे मोर्ट चीज़ें हैं जिसका टूटना तय है जिसका मरना तय है तो फिर हम क्यों इतना जो है दुख के अंदर पड़ जाते हैं दुखी हो जाते हैं और अपना सुकून जो है वो ख़त्म कर देते हैं क्योंकि इसका कोई भी जो है साधन नहीं है कि हम इन चीज़ों से जो है बच सकते हैं जिस जिसमें हम सोचते हैं जन्म लिया है और सोचे अगर वो के मरने के लिए बच सकता है तो हम बच नहीं सकते क्योंकि जिसने जिंदगी में आया है बोर्न हुआ है तो जाहिर सी बात है उसका मरना तय है वो मरना अवॉइड नहीं कर सकता उसे आखिर मरना है और जो बूढ़ी एज के अंदर मतलब जो ओल्ड एज के अंदर जो आता है जैसे ही जैसे हम कहा जाता है जो ओल्ड एज होता है हो जाता है तो हम सोचते हैं कि नहीं ये जल्दी ही मरने वाला है मतलब इसकी मौत जो है वो नज़दीक है सो तो ये नेचर रहा है ह्यूमन बीइंग का कि जो ओल्ड एज हो जाती है तो हम सोचते हैं हाँ अब इसकी ज़िंदगी कम है और ये मरने वाला है जिस तरीके से इसने एग्ज़ाम्पल दिया है कि जो पका हुआ जो फ्रूट होता है उसके गिरने के आसार ज़्यादा होते हैं मतलब जो फ्रूट पक जाता है यहाँ ओल्ड एज से है कि जो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज हो जाते हैं उनके मरना जो है मतलब ऐसा लगता है इनकी मौत नज़दीक है मतलब इसने जो है अपनी उम्र को जी लिया खैर मौत तो सभी के लिए इक्वल है चाहे वो यंग है ओल्ड है मौत कभी किसी की एज देख नहीं आती लेकिन हम लोग ह्यूमन बींग है हम जानते हैं ऐसा हमें एक वे होता है हम समझते हैं कि जैसे कोई इंसान जो है एटी क्रॉस कर ले नाइन्टी क्रॉस कर ले हंड्रेड क्रॉस कर ले तो हमारे माइंड में एक सेटअप हो जाता है कि हाँ इसकी एज जो है मतलब अब कम होने वाली है कभी भी जा सकता है ठीक है सो so, इसीलिए कहा गया है कि भाई जो पके हुए जो फ्रूट्स होते हैं उनके गिरने के जो है आसार ज़्यादा होते हैं इसीलिए ऐसा कहा है और जो कोई भी मोटल है जब जन्म लेता है मतलब जब कभी भी वो बॉन्ड होता है तो वो जो है तब से ही जो है हमेशा उसके जो है कहा जाता है हेड पे ये खतरा मंडराया हुआ रहता है कि वो मरने वाला है क्योंकि किसी को पता नहीं है किसकी डेथ कब आएगी पहले आएगी जल्दी आएगी किसी का नंबर कभी भी लग सकता है सो इसीलिए कहा गया है कि जो मोटल्स होते हैं बॉन्ड करते हैं उनके जो है हमेशा खतरा मंडराता रहता है मौत का जैसे हम लोग ह्यूमन बींग हैं हम इंसान हैं हमारी मौत का कोई भरोसा नहीं है कभी भी आ सकती तो हम यही सोच के जीते हाँ मौत आएगी ज़रूर जैसे कि इसने एक और एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर कि जैसे मिट्टी के सभी के बर्तन जो है कुमार जो बनाता है वैसल्स मतलब अर्थन वैश्य जो मिट्टी के बर्तन जो होते हैं जैसे पॉटर जो होता है कुमार जो होता है वो मिट्टी के बर्तन बनाता है तो जाहिर सी बात है टूटने से ही उसका जो है अंत होता है ज़ाहिर सी बात है मिट्टी के जितने भी बर्तन होते हैं या कोई भी चीज़ बनी है तो ज़ाहिर सी बात है वो टूटेगी ज़रूर कभी भी टूटो तो टूटने से ही उसकी मतलब अंत हो जाता है सो इसीलिए लाइफ भी जो है ज़िंदगी भी हमारी मॉर्टल्स की ऐसी होती है चाहे वो यंग हो चाहे वो एडल्ट हो चाहे वो बेवकूफ़ हो या फिर इंटेलिजेंट हो सभी को जो है डेथ का मज़ा चखना है भले इन सभी के लिए जो है वो चाहे दुनिया में इंटेलिजेंट हो बेवकूफ हो या फिर अमीर हो गरीब हो सभी को एक दिन मरने का मजा चखना है सो so इसीलिए सभी को मरना है चाहे वो कोई भी हो मौत सभी के लिए इक्वल है ऑफ दोस्त हु ओवरकम बाय फ्रॉम लाइफ अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नो

जब वो जिंदगी से जाते हैं यहाँ से चाहे वो कोई भी हो एक फादर अपने जो है बेटे को नहीं बचा सकता ना ही कोई भी रिश्ता संबंधी जो होते हैं हमारे किंग्समैन मतलब जितने भी हमारे संबंधी वगैरह होते हैं रिलेशनर वगैरह होते हैं जो संबंधी होते रिश्तेदार होते हैं सो मार्क मार्क मतलब ध्यान दो केयरफुली कि के चाहे हमारे कितने भी रिलेटिव वगैरह क्यों ना हो जब रिश्तेदार देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो जो है लेमेंटिंग कर रहे हैं लेमेंटिंग मतलब दुख जो है एक्सप्रेस करना जब हम हमारे रिश्तेदारों को देखते हैं मरे हुए और सभी जो है डीपली रो रहे होते हैं उन्हें देख देख कर दुख जो है एक्सप्रेस कर रहे होते हैं ठीक है और एक इंसान जो है एक एक कर कर जो है मतलब सारे मोन्टर्स लोगों को जो है ले जाया जा रहा है जिस तरीके से एक जो बेल होता है एक बेल को जो है खाने से जो है लाया जाता है मतलब पर आपने देखा होगा जहां पर कुर्बानी वगैरह ऐसे की जाती है तो वहां पर जो है बुच्छ खाने से लाया जाता है और ये जो वर्ल्ड है पूरा का पूरा डेथ और जो है खत्म होना है डी के मतलब श्रेय जो खत्म होना है डेथ और ढलना है खत्म होना है आखिर इसीलिए सो so, जो वाइज पर्सन होते हैं वो दुख नहीं करते हैं क्योंकि वो जो है इस संसार के जो है नियमों को जानते हैं सो so, इसीलिए जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं कि भाई जो लोग दुनिया में आए हैं उन्हें जाना है इसीलिए वो लोग रोते नहीं हैं ना ही दुख को जो है फील करते हैं सो so, इसीलिए कहा गया है कि भाई मौत तो सभी के लिए इक्वल है फिर इतना क्यों रोना धोना क्यों दुखी होना क्योंकि रोने से कभी जाने वाला तो वापस आएगा नहीं हमें सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो पर्सन जा चुका है और वो कभी लौट कर नहीं आएगा जब हमें पता है तो हमें इस चीज़ के लिए दुख नहीं मनाना चाहिए ऐसा जो है बुद्ध कह रहे हैं लेकिन हकीकत तो ये है कि हम जो है हमारे जब अपने चले जाते हैं या जिनके जाते हैं उन्हें एहसास होता है कि आखिर हमारे जो पर्सन है जो हमारे क्लोज वन है वो हमारे लिए क्या अहमियत रखते हैं और हम जो है जिसे स्पेशली देखा होगा कभी भी जो भी फ्यूनरल्स जो है होता है तो जो भी हमारे रिलेशन वाले आते हैं वहाँ पर जो है दुख को शो करने के लिए तो उन लोगों के लिए कईयों के लिए तो फॉर्मेलिटी होती है लेकिन जिस जिस फैमिली का बंदा जाता है उसको सबसे ज़्यादा दुख फील होता है Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. On the contrary, his pain will be the greater and his body will suffer. He will make himself sick and pale, yet the dead are not sad by his lamentation. He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. He who has drawn out to the arrow and has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow sorrow will become free from sorrow and be blessed. So इसने आगे, ना तो रोने से ना ही दुखी होने से किसी को दिमागी जो है, पीस जो है मिलेगी जाहिर सी बात है ना तो हमारे रोने से ना ही हमारे कुछ जो है दुख मनाने से हमें जो है माइंड में पीस ऑफ माइंड जो होगी इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें कॉन्ट्ररी मतलब इसके विपरीत अगर हम बात करें तो उसका दुख और ज्यादा बढ़ जाएगा और उसकी बॉडी जो है उसे बहुत ज़्यादा सफर होगा मतलब उसे दुख होगा और उसकी बॉडी खराब हो जाएगी हेल्थ खराब हो जाएगी वो बहुत ज्यादा दुखी होगा बीमार पड़ जाएगा ठीक है और वो खुद को बीमार और जो है वो कमज़ोर फील करेगा पहल मतलब कमज़ोर होना सीख मतलब बीमार सो तो इसीलिए वो अपने आप को जो है कमजोर फील करेगा और जो है बीमार फील करेगा और फिर भी उसके जो है रोने धोने से भी जो है मरा हुआ इंसान जो है बिल्कुल भी क्या नहीं हो पाएगा बचा नहीं पाएगा लेमेंटेशन मतलब दुख भी अगर आप फील कर लोगे तब भी उसे जो है बचाया नहीं जा सकेगा इवन जो मतलब पीस की खोज करता है या उसके लिए भी रोता है कि मतलब मुझे सुकून मिल जाए ओ गॉड में सुकून कहाँ पर है ठीक है और वो उसके लिए रोता धोता रहे कंप्लेन करता रहे दुख मनाता रहे फिर भी शिकायत वो दुख तीर बाहर निकाल देना चाहिए और जिसने इस तीर को निकाल दिया वो शांत हो जाएगा ठीक है मतलब दिमाग में अगर हमारे दुख फैला रहेगा कंप्लेन रहेगी हम रोते धोते रहेंगे तो हमारे दिमाग में कभी भी सुकून और शांति नहीं आएगा अगर आपको सुकून और शांति चाहिए तो आप सिर्फ तभी कर सकते हैं जब तक आप उस चीज़ को एज अ फैक्ट नहीं लेते कि हाँ जो दुनिया में आया है वो जाएगा अगर हम दुनिया में आए हैं तो हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग तो हो नहीं सकती हमें एडजस्ट करना पड़ता है जो गॉड ने हमें दिया है उसमें सेटिस्फाई होना पड़ता है और जो सेटिसफाई नहीं होते अपनी लाइफ को लेकर वो कभी भी खुश नहीं हो सकते क्योंकि हैप्पीनेस जो है वो बाहर से नहीं आएगी हैप्पीनेस हमेशा हमारे हार्ट से आती है डायरेक्टली जब कभी भी अगर हम किसी दुख को लेकर सोचते हैं और जब तक हम अपने आप को नहीं समझाते उस बात को लेके हमें कभी भी सुकून नहीं मिल सकता बार के चाहे आप कितनी मोटिवेशनल वीडियो सुन लो चाहे किसी भी तरीके का कुछ भी सुन लो आखिर फैसला जो है आपका मन का होता है कि आपका मन उसके बारे में क्या सोचता है क्या एक्सेप्ट करता है ठीक है सो so इसीलिए और वो शांत हो जाता है जब भी होता है और वो दिमाग जो है उसका सुकून पा लेता है और वो जिसने सभी को जो है दुखों को जीत लिया हो तो वो जो है दुखों से जो है मतलब निकल जाएगा और बिल्कुल पाक हो जाएगा प्लास्ट मतलब पवित्र हो जाएगा बिल्कुल क्योंकि जिसने अपने माइंड में अगर शांति कर ली कि भाई हाँ ये तो चीज़ नेचुरल है एक्सेप्ट कर लो इस बात को तो उसके दिल दिमाग से कभी भी जो है आपको दुख आएगा ही नहीं ना ही आप कभी भी दुखी हो गए इसीलिए ऐसा कहा है कि भाई लाइफ में सब कुछ होना है जो भी चीज़ नश्वर है मॉर्टल्स है उसे जाना है एक दिन तो फिर किस बात का रोना है ऐसा इसीलिए इसने कहा है यहां पर। ऑफ दिस चैप्टर दर्मन एट बनारस सो इस चैप्टर के अंदर जो है जैसा कि अभी हमने फुल चैप्टर पढ़ा है वर्ड टू वर्ड पर इसकी समरी भी कर ली जाए सो so, समरी यह है इस चैप्टर की कि जब कभी भी जैसे इसमें सरमन ने जो बना एक वननास में जो है एक सरमन दिया है उपदेश दिया है जिसे कहा जाता है कि भी धर्म से रिलेटेड जो भी उपदेश होते हैं वो दिया है सो so, इसमें गौतम बुद्ध होते हैं जिनकी लाइफ एज अ प्रिंस स्टार्ट होती है और उनका नेम जो है सिद्धार्थ गौतम होता है जो नॉर्थन इंडिया के अंदर बॉर्न होते हैं और वो एज ट्वेल्व ईयर्स के होते हैं तब उन्होंने जो है स्कूलिंग गए थे वो एज ए हिंदू सैकर्ड जो जैसे हिंदू पवित्र ग्रंथ वग़ैरह होते हैं उनकी पढ़ाई करते हैं वो चार साल तक और फिर जब घर लौटते हैं तो उनकी शादी कर दी जाती है एज द एज ऑफ सिक्सटीन उसके बाद उनका जो है एक बेटा होता है और वो दस साल तक जो है अपनी वाइफ के साथ और अपने बेटे के साथ रहते हैं एकदम ठाट बाट के साथ जैसे एक प्रिंसेस और प्रिंस रहा करते हैं उसके बाद जब वो एज ट्वेंटी फाइव हो गए तो एक बार वो शिकार पर गए तो वहाँ पर जो है उनकी मुलाकात एक सिक पर्सन से होती है एक एजड पर्सन से होती है और एक जो है फ्यूनरल प्रोसेसन जाता हुआ नज़र आता है और एक जो भिकारी होता है संत होता है मांग वो भिका भीख मांगते हुए नजर आता है तो जैसे ही ये सारी चीज़ें उसकी नज़रों के सामने से सा आती है क्योंकि वो जो गौतम बुद्ध थे वो प्रिंस थे तो जाहिर सी बात है उन्होंने दुख तो कभी देखा ही नहीं था कि दुख किस चीज़ का नाम होता है दुख होता क्या है एक्चुअली तो उन्होंने जो है सात साल तक जो है वो बाहर ही घूमते रहे इधर से उधर इस खोज के अंदर के जो है उन्हें मतलब ये एनलाइटमेंट मिले मतलब जो मन का ज्ञान जो होता है पवित्र जो ज्ञान होता है वो पता चले कि भाई स्पिरिचुअल नॉलेज कैसे मिलता है तो इसीलिए वो सात साल तक इधर से उधर घूमते रहे फिर फाइनली एक पीपल ट्री के नीचे जाकर बैठ गए जहाँ पर जो है वो ऑलमोस्ट जो है सात दिन तक जो कहा गया है वहाँ पर उन्होंने जो है तपस्या वीकेंड से हम कह सकते हैं तब उन्हें जो है जाकर एनलाइनमेंट हासिल हो गया मिल गया उन्हें और उसके बाद जो है उस ट्रे का नाम जो है बॉडी ट्री पड़ गया और उन्होंने अपना सबसे पहला श्रवन जो दिया था वो बनारस में दिया था जो होली सिटी मानी जाती है जहाँ पर लोग अपने पापों को धोते हैं स्नान करते हैं पाक पवित्र स्नान करते हैं उसके बाद जो है एक इंसिडेंस बताया जाता है जिसमें किशा गौतमी एक लेडी होती है जिसका एक इकलौता बेटा होता है वो मर जाता है और वो पागलों की तरह इधर से उधर अपने बेटे को लेकर घूमती है कि मतलब कोई डॉक्टर कोई तो दवा दे दे ताकि मेरा बेटा होश में आ जाए और सही हो जाए तो सारे लोग कहते हैं कि इसका तो दिमाग ख़राब हो गया मरा हुआ इंसान कभी लौट के आता है क्या ये बिल्कुल पागल हो गई है उसके बाद कोई भी उसका जवाब नहीं देता है फिर फाइनली एक पर्सन उसका जवाब देता है उसकी रिक्वेस्ट का बोलता है मैं एक ऐसे फिजिशियन को जानता हूँ दवाई तो मैं नहीं दे सकता लेकिन एक फिजिशियन को जरूर जानता हूँ दैट्स मीन डॉक्टर तो वो उसे बताता है सक्या मुनि बुद्ध के बारे में और वो वहाँ जाती है उसके सामने रोती है अपना पूरा जो है बोलती है जो भी बात होती है उसके बाद वो कहता है ठीक है एक काम करो और पूरी सब जगह सभी घर से जहाँ कहा उस घर से जो है एक मुझे जो है एक मुट्ठी भर के जो है सरसों के दाने ला के दो तो बड़ी खुशी हो जाती है कि सरसों के दाने तो मैं लेके आ जाऊंगी लेकिन वो बाद में एडिट करता है कि उस घर से लेके आना जहाँ पर किसी की भी डेथ ना हो रखी हो सो वो जाती है घर से घर एक घर से दूसरे घर सभी घरों में जाती है लोग बड़ा उस उसपे मतलब तरस खाते हैं और उसे बोलते हैं ठीक है ये लो सरसों के ठीक है लेकिन जैसे ही वो पूछी या तुम्हारे घर में किसी की डैथ हो रखी है तो सारे लोग उदास हो जाते हैं और उसे बोलते हैं हमारे दुख दर्द को जो है मतलब मत क्योंकि जिंदा लोग कम है और मरे हुए लोग ज्यादा हैं तो उसके बाद वो थकी हारी सी जब बैठी होती है सिटी लाइट देख रही होती है तो लाइटें लग बुझ लग बुझ करके ऐसे मंडराती रहती है टिमटिमाती है फिर बुझ जाती है तो उससे उससे पता चलता है कि जो जिंदगी में आया है उसे जाना है और डेथ सभी के लिए कॉमन होती है क्योंकि हम इंसान जो है दुख में हर रियलिटी को भूल जाते हैं कि रियलिटी है क्या क्योंकि जब हम अपने एक वाले को खोते हैं तो हम एक पल के लिए ऐसा भूल जाते हैं कि दुनिया में जो है सब कुछ दुख मेरे ऊपर ही आया है और मेरे साथ ही हुआ है उसके बाद बुद्ध जो है आगे कहते हैं कि जो भी पर्सन आया है दुनिया में उसे जाना है जो भी मॉर्टल चीज़ें हैं चाहे वो कैसी भी चीज़ हो वो आखिर टूटनी है जैसे इंसान सोचता है कि हमारे रिश्तेदार है या किसी को भी अपने को बचाया जा सके तो ना तो फादर अपने बेटे को बचा सकता है बच्चों को बचा सकता है ना ही हम अपने पेरेंट्स को बचा सकते हैं तो चाहे कितना भी रिश्तेदार हो क्यों ना हो हम नहीं बचा सकते क्योंकि डेथ सभी के लिए कॉमन है उसके बाद एक एग्जाम्पल भी दिया है कि जब ओल्ड एज हो जाती है तो ऐसा कहा गया है कि उसकी मौत ज़्यादा नज़दीक होती है जैसे एक पका हुआ फल होता है उसके गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं सेम वे एक कुमार अगर कोई घड़ा बनाता है या कोई भी मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाता है तो उसका लास्ट अंत वहीं होता है जब वो टूट जाता है तो ज़ाहिर सी बात है मिट्टी के बर्तन आँखें टूटेंगे ही क्योंकि वो मॉर्टल्स है इसके बाद ये कहा गया कि भी अगर जो है रोने से या दुख मनाने से अगर हमें जो है वो मरा हुआ इंसान वापस आ जाता है तब तो ठीक है लेकिन ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता चाहे हम कितने भी रो लें कितना भी धो लें या किसी को कुछ भी कर लें वो जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता तो इसीलिए जो वॉइस पर्सन होते हैं वो रोते नहीं हैं वो उसे अंडरस्टैंडिंग लेते हैं एज अ फैक्ट लेते हैं कि कराया हुआ इंसान कभी भी लौट कर वापस नहीं आता है सो so, इसीलिए हमें नहीं रोना चाहिए अगर हमें दिल का सुकून चाहिए या शांति चाहिए तो हमें सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो मर चुका है वो वापस लौट कर नहीं आएगा और यही चैप्टर है हमारा कि हमें चाहे ज़िंदगी में हमारे दुख आ जाए या कुछ भी हो जाए किसी भी तरीके से तो उसमें भी यही चीज़ लागू होती है कि जिंदगी में अगर हमसे कोई चीज़ टूट जाए या कोई चीज़ बिछड़ जाए या कोई चीज़ मर जाए या कोई इंसान मर जाए सो कई ऐसी चीज़ें होती जिससे हमें लगाव होता है और हमारे दू उनके दूर जाने से जो है हमें बहुत ज़्यादा जो है फीलिंग आती है सो इसीलिए कहा गया है कि भाई जो भी चीज़ें दुनिया में आई है चाहे वो इंसान हो चाहे वो चीज़ें हो, आखिर उसे ख़त्म होना है जब हम रियलिटी जानते हैं तो फिर हम क्यों दुख मनाते हैं और दुखी होने से सिर्फ हमारी ही बॉडी खराब होगी हम ही बीमार हो जाएंगे कमजोर हो जाएंगे लेकिन उस दुख को हम कभी भी कम नहीं कर पाएंगे तो इसीलिए उस सच्चाई को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम जो है उस चीज़ के लिए जो है रियलिटी को माने कि हाँ ये रियल है ओके आई होप सो कि आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छा लगा होगा मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया है इसको वर्ड टू वर्ड समझाने के लिए सो so अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो दैन hit the like button and for more updating videos like share and also i'm just so uh, you can follow me on instagram and facebook as a uh, naspar shala thank you thank you for watching if you like my videos please hit the bell icon for more updating videos like share comment and subscribe my channel and you can also follow me on instagram and facebook as id nasparshala thank you take care bye bye